इकोनॉमी तो क्या लिखा हुआ है? डायरी को वैदिक इकोनॉमी, डायरी को वैदिक इकोनॉमी वॉज प्राइमरली पेस्ट ओवर फॉर आर्यंस कैटल वॉज थ्रोनियम बैल्स अ वेल्दी पर्सन वॉज कॉल्ड गोमत गोपे एंड द गोपति वर एपिथेट्स गिवन टू द किंग ओके इन डायरी के वेद गोथुल इज यूज एज अ टर्म फॉर अ मीटर ऑफ टाइम डिस्टेंस इज कॉल्ड गव्युति एंड अ डॉटर इज कॉल्ड धृत्र जिसको आज बिगाड़ बिगाड़ के नाम बता दें बिगाड़ दे धृत्री एंड द वन हु मिल्क्स द एंड वन हु मिल्क्स द काउ ठीक है यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जरा इनको जरा नोट करना स्टार्ट करो कहाँ गया पेस्ट्रो को वैसे पहले लिखा ही था देख लेना देख सकते हो गोमत लिखा ही हुआ है एपिथेट्स ध्यान रखना यहाँ पे गोधुली समझा दूंगा लिखनी है गवती भी समझा दूंगा लिखनी है हाँ तो पहले तो पैस्टोल आपको याद होना चाहिए हाँ जी सर सर वो मालूम क्या होता है सर सर मतलब एक तरीके से सर जो रूलर पीपल्स जो हाँ मतलब एंगेज होते हैं करियर के फार्मर हाँ करते हाँ ब्रिटिश में इंगेज होते हैं ब्रिटिश में इंगेज होते हैं ठीक है तो वो कह रहे हैं देखिए व्यक्ति जो इकोनॉमी थी वो प्राइमरी रूरल थी कैसे थी ब्लेज टाइप थी कैसे टाइप थी ब्लेज टाइप जैसे ब्लेज में जो काम होते थे बेसिकली वैसे होते थे आर्यन कैटल जो आर्यन लोगों के जो कैटल होते थे वो सुने माने जाते थे किसी के वेल्थ के इसका मतलब यह है कि जितने लोगों के पास जितने ज्यादा कैटल्स वो उतना ही ज्यादा वेल्दी माना जाता था अ वेल्दी पर्सन वॉज कॉल्ड गोमत और जो वेल्दी होता था उसको हम क्या कहते थे गोमत क्या कहते थे गोमत अभी कौन है एपिथेट्स एपिथेट्स नोट कर लो कर लिया होगा वैसे आपने जी सर कर लिया है क्या होता है इसका मीनिंग सर इसका मतलब नहीं एपिथेट्स का मीनिंग नहीं पता तो इसको आप कैसे लिख सकते हो क्या लिख सकते हो क्वालिटी क्वालिटी इसका क्वालिटी बोलो सिंबल बोलो इसको आप क्वालिटी लिख लो क्वालिटी बेसिकली सर क्या एक आप एडजेक्टिव एक है मिनट सर एक मिनट रुकेंगे सर हम सर दूसरे से जरा ज्वाइन करता हूँ इसमें कुछ दिक्कत आ रही है नेट ठीक है एक
जी सर, स्क्रीन सर स्क्रीन विजिबल है आपको? ठीक हाँ जी सर, है, तो एपिथेट्स का मीनिंग बताता है, एपिथेट्स का एक तरह का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी वर्ड। उस टाइम के किंग और क्वींस को, उस टाइम पे जो किंग होते थे ना, तो उनको ये नाम दिया जाता था। जैसे तो आपने वर्ड सुना होगा राजा महाराजा, है ना, तो इसी तरह से वहाँ पे गोपाल गोपति नाम बोला जाता था। राजा को क्या बोला जाता था? गोपाल गोपति बोला जाता था। आप इसको एडजेक्टिव लिखो, एपिथेट्स के मीनिंग अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, मीनिंग लिख लेना, नेम ऑफ पोजिशन, नेम ऑफ या सिनोनिम ऑफ किंग बोल सकते हो, सिनोनिम ऑफ किंग है ना। इन द ऋग्वेद, इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि गोधूली इज यूज्ड एज अ टर्म फॉर मेजर ऑफ टाइम। ऐसा मतलब माना जाता है कि जो गोधूली वर्ड होता था, गोधूली, वो गोधूली वर्ड का यूज हम करते थे टाइम को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए। अच्छा ठीक है, अगर कोई पूछे कितना टाइम हो गया, तब ये नहीं बोलते थे कि 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, मिनट, सेकंड, घंटे, उस टाइम पर नहीं थे। वहाँ पे बोला जाता था कि एक गोधूली हो गए, बहुत गोधूली हो गए, तो इस तरह से वहाँ पे जो टाइम की यूनिट थी उस टाइम पर जो टाइम की यूनिट थी वो क्या थी? गोधूली, गोधूली है ना। डिस्टेंस की यूनिट क्या थी? गव्युति। क्या थी? गव्युति। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल लिए, ऐसा कुछ नहीं होता, एक गव्युति, दो गव्युति, ऐसा होता था। ठीक है, हाँ। डॉटर इज कॉल्ड धोत्र, बेटी जो होती थी, बेटी, बेटी को क्या बोला बोला जाता था? धोत्र। और दबन को मिश्र गाँव, यानी बेटी को भी धोत्र बोला जाता था, और उस इंसान को भी, और उस इंसान को भी जो क्या करता था, वो मिश्र गाँव, जो काऊ का दूध निकालता है, उसको भी धोत्र बोलते थे। उसको भी क्या बोलते थे? धोत्र बोलते थे। तो धोत्र के दो मीनिंग हो गए, धोत्र मतलब बेटी, और धोत्र मतलब क्या, जो गाय का दूध निकालता है। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं। टर्म्स आपसे वन वर्ड में, एमसीक्यू में, फिलअप्स में, मैचिंग में कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कंपेयर टू द लिंग्विस्टिक एविडेंस फॉर कैटल रेयरिंग इन द ऋग्वेद, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज फाइंड वेरी फ्यू रेफरेंसेस अपार्ट फ्रॉम यगो एंड बार्ली, नो अदर ग्रेन्स आर मेंशन्ड। देयर आर रेफरेंसेस टू फायर बीइंग यूज्ड फॉर बर्निंग द फॉरेस्ट कवर इन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। फर्दर द एरिया रिस्की विद लो रेनफॉल एंड नेचर रिवर्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेद वर नोन टू चेंज देयर कोर्सेस फ्रीक्वेंटली। इन दीस कंडीशंस द एलुवियल लैंड नियर द रिवर कुड नॉट बी कल्टीवेटेड इन अ परमानेंट बेसिस। क्या कह रहा है? कंपेयर टू द लिंग्विस्टिक एविडेंस फॉर कैटल रेयरिंग द ऋग्वेद, वो कह रहे हैं ऋग्वेद में जो लिंग्विस्टिक एविडेंस मिले हुए हैं, लिंग्विस्टिक मतलब क्या, जैसे ऋग्वेद में लिखा हुआ है, अगर उस लिखे हुए को माने, है ना, और उसको कंपेयर करें, उसको रियल लाइफ से कंपेयर करें, तो कह रहा है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज फाइंड वेरी फ्यू रेफरेंसेस। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बारे में तो रेफरेंसेस ज्यादा मिलती ही नहीं है, बहुत कम मिलती है। अपार्ट फ्रॉम यव एंड बार्ली, नो दैट वो कंसर्न्ड, वो कह रहा है उस समय क्या कहते हैं आपका जो ऋग्वेद है उसमें यवा और बार्ली के अलावा और किसी ग्रेन के बारे में मेंशन ही नहीं है, और किसी ग्रेन के बारे में क्या मेंशन ही नहीं है। फिर कह रहा है देयर रेफरेंसेस टू फायर बीइंग यूज्ड, वहां पर रेफरेंस है किस चीज का, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, मेंशनड है कि फायर का यूज किया जाता था, किस लिए यूज किया जाता था, फॉर बर्निंग द फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट को बर्न करने के लिए, एंड प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और ताकि उस फॉरेस्ट को हम क्या करें, कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकें। फर्दर द एरिया रिसीव लो रेनफॉल एंड द मेजर रिवर्स मेंशन्ड इन द रेनफॉल वर नोन टू द चेंज इन देयर कोर्स सिक्योरिटी। फिर कह रहे हैं इसके आगे, ये तो फायर के उद्देश्य, वो कह रहे हैं बहुत सारे एरियाज के बारे में मेंशन किया गया है जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती थी, जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती थी और बहुत जो बड़ी बड़ी मेजर रिवर्स थी वर नोन टू चेंज। अब वो चेंज हो गई है, वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, आज के टाइम पे वो क्या हो गई है, चेंज हो गई, नोन टू चेंज, वो चेंज हो गई है, नोन टू चेंज देयर कोर्सेज फ्रिक्वेंटली, सॉरी, बहुत चेंज हुई है उन रिवर्स के जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज मतलब क्या, उनका बहाव जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। अब बहाव का मतलब कहता है, आपको पता है जैसे वाटर एक जगह पे रुकती नहीं है, या तो वो ऐसे बहेगी, ऐसे फ्लो होगा उसका, या फिर वो ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो, इस फ्लो को बोलते हैं कोर्स, तो ये कोर्स उनका क्या होगा, फ्रिक्वेंटली चेंज हो गया है। इन दीज कंडीशंस द एलुवियल लैंड्स नियर द रिवर्स कुड नॉट बी कल्टीवेटेड, ऐसे केस में जो एलुवियल लैंड्स होती हैं वो डेवलप नहीं किया सके परमानेंट बेसिस के लिए। क्यों? उसका रीजन है जो जो सैंड होती है ना, सैंड, एलुवियल जो सैंड होती है बेसिकली, वो सब सैंड से ही लैंड बनती है। अब वो सैंड जो पानी के अंदर होती है, अब पानी ऐसे बहेगा, ठीक है, तो जो सैंड है वो इस तरफ आएगी,
है ना, तो इस तरफ आएगी तो किनारे में थोड़ी बहुत सेंट आती रहेगी। अब वही दूसरी साइड क्या हो रहा है, पानी फिर दोबारा से ऐसा बैक भी जा रहा है, पानी क्या जा रहा है वापस बैक भी जा रहा है। तो जैसे इस फ्लो में जब वो बाहर आई थी तो इस वाले फ्लो में वो दोबारा से अंदर से लेगी पानी के अंदर, तो बेचारी सेंट बेचारी घूमती रहती है। वो सेंट बेचारी कभी आती है बाहर, कभी चली जाती है, कभी आती है बाहर, कभी चली जाती है। तो वो एक जगह पे फिक्स नहीं हो पा रही, जब वो परमानेंट नहीं हो पा रही तो परमानेंट लैंड या परमानेंट जगह, परमानेंट सरफेस कैसे बन पाएगा, तो वो बनी नहीं सकती। ये वो लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी टू प्लेस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक फेज, वो कह रहे हैं लेटर वैदिक एज की बात की जाए या फेज बोलो या एज बोलो बात की, उसमें जो चेंजेस हुए वो बहुत ज्यादा हुए, बहुत ज्यादा हुए, और बहुत ज्यादा का मतलब ये नंबर के टर्म्स में नहीं, मेजर उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ग्रो ग्रू ड्यूरिंग दिस फेज, जो इम्पोर्टेंस थी एग्रीकल्चर के लिए वो काफी इंक्रीज हुई इस पीरियड में। द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन द लेटर वैदिक पीरियड वाज मेड पॉसिबल बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फर्टाइल एलुवियल लैंड्स ऑफ द गंगा यमुना डोब एंड द मिडल गंगा वैली, ठीक है। तो वो कह रहा है जैसा कि अभी ऊपर एक्सप्लेन किया गया कि इस पीरियड में एग्रीकल्चर में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ। अब इंक्रीमेंट क्यों हुआ, फर्टाइल लैंड की वजह से। अब फर्टाइल लैंड का मतलब है एलुवियल लैंड काफ़ी फर्टाइल होती है ना। अब वो कह रहे जो एग्रीकल्चर जो लैंड जो एलुवियल लैंड है वो किस वजह से हमें मिली, ये जो हमें लैंड है ये किस तरह से मिली, ये हमें मिली कहाँ पर मिली, गंगा यमुना के डोब पर और जो मिडिल गंगा वैली वाला जो एरिया था, मिडिल गंगा वैली वाला जो रीजन था, उस रीजन में बेसिकली। और वो जगह आज भी अगर आप देखोगे तो आज भी सबसे ज़्यादा ग्रीन है, मतलब वहाँ पर हरियाली आज के टाइम पर भी ज़्यादा है। बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड टेरिटरी रिसोर्सेज डिपिक्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ राइस एज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल, वो कह रहे हैं आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स भी देख रहे हैं या लिटरेरी सोर्स को भी देखा जाए, या तो आर्कियोलॉजिस्ट की बात मान लिया या फिर जो लिटरेरी सोर्स है जो किताब में लिखा हुआ है, दोनों चीज़ों में क्या करते हैं, शो करते हैं हमें, क्या शो करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ राइस एज अ स्टेपल डाइट। स्टेपल मतलब क्या क्या होता है सर, मतलब एक तरीके से, हाँ मतलब जो सबसे ज्यादा खाया जाता है एक तरीके से, सबसे ज्यादा खाया जाता है मतलब सर उस रीजन के अंदर। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा किताबों में लिखा गया है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा खाने वाला ऐसे बोलते हैं सबसे मेन जो डाइट थी ना सैम के लोगों की वो क्या थी, राइस थी। क्या थी वो, राइस। तो ये तो आपको इम्पोर्टेंट है, ये तो देखना पड़ेगा है ना। ऑफ द पीपल द वैदिक टेक्स्ट मेंशन व्रीही तंदुला थाली डिनोटिंग राइस, यानी वो कह रहे हैं अब राइस के भी ना काफ़ी सारे वर्ड्स को यूज़ करते थे, कोई व्रीही बोल रहा है, व्रीही तो हमने पहले पढ़ा भी था, कोई तंदुला बोल रहा है, कोई साली है या सली है, जो भी है ये प्रोनाउंस वो कर रहे हैं, तो इन्हें हम आपको याद रखने हैं, डिनोटिंग द राइस। द लेटर वैदिक टेक्स्ट ऑल्सो रेफर टू ऑक्सन योग्ड टू द फ्लो, ऑक्सन योग्ड टू द फ्लो मतलब क्या, प्लगिंग के लिए ऑक्स का यूज करना, प्लगिंग के लिए ऑक्स का यूज करना, ऐसा लेटर वैदिक टेक्स्ट में लिखा गया है कि लोग प्लगिंग के लिए खुद खेत में जुटते थे, वो खुद खेतों में वो नहीं काम नहीं वो प्लगिंग नहीं करते थे, वो ऑक्स का क्या करते थे, यूज करने लगे थे। सजेस्टिंग द प्री बैलेंस ऑफ फ्लो कल्टिवेशन, सजेस्टिंग, अब सजेस्टिंग यहाँ पे बेसिकली नहीं है, यहाँ पे सजेस्टिंग का मतलब है बताना बेसिकली, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे फ्लो कल्टिवेशन कितना प्रीवेलेंस में था। प्रीवेलेंस मतलब क्या, यूज में था। प्रीवेलेंस मतलब क्या, यूज में था, कि ये बताते हुए कि उस टाइम पे फ्लो कल्टिवेशन कितना यूज में था, लोग प्लगिंग करते थे उस टाइम पर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड आयरन प्लग से आयरन फ्लो से एंड मेटल टूल्स वर यूज्ड एंड अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड, अब वो कह रहे हैं अब इसी पीरियड में या फिर बोलो इस पीरियड के एंड में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड, अब लेटर वैदिक पीरियड के भी एंड में आ गए हैं, तो कह रहे हैं कि अब ऑक्स वगैरह यूज तो ऑक्स का योक, ऑक्स योक क्या होता था, ऑक्स योक अगर आप रिसर्च करते हैं लकड़ी का होता था, ये क्या होता था, लकड़ी का होता था। तो लोगों ने बाद में क्या किया, आयरन का बनाना स्टार्ट कर दिया, मेटल के टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए है ना, जिसको उन्होंने यूज़ किया और उसको उनको यूज करके काफ़ी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स उन्होंने क्या किया, कल्टिवेट वहाँ पर की।
The craftsman mentioned in the Vedic text include leather work, leather workers, sorry, है ना, जिसको चर्म कृषि बोलते थे, व्हील राइट्स जिसको रथा कृषि बोलते थे, ब्लैकस्मिथ्स एंड पॉटर्स जिसको कुलाला भी बोलते हैं, कारपेंटर्स, टेक्सटक्शन। क्या कह रहे हैं? अगर हम वैदिक टेक्स्ट पढ़े, वैदिक टेक्स्ट पढ़े तो वहां पे जो क्राफ्टमैन होते थे, उन क्राफ्टमैन को पता है क्या क्या इंक्लूड करते हैं, यानी हमारे वैदिक टेक्स्ट में वर्करों के बारे में किन किन वर्करों के बारे में लिखा गया है, किन किन प्रोफेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो लेदर वर्कर्स के बारे में लिखा हुआ है जो लेदर का काम करते थे, व्हील राइट्स का जो व्हील वगैरह बनाते थे, ऐसे लोगों के बारे में जिक्र है, ब्लैक स्मिथ्स है ना, पॉटर्स जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे इनका भी जिक्र है, कारपेंटर जो लकड़ी का सामान बनाते थे इनका भी जिक्र है, इनका भी जिक्र है। लेकिन उनका जिक्र ऐसा नहीं कि लेदर वर्कर लिखा हो, व्हील राइट्स लिखा हो, ब्लैक स्मिथ लिखा हो, पॉटर्स लिखा हो, कारपेंटर लिखा हो, नहीं, वहां पर ये वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं, वहां पर ये वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो हमारा अब अगर आप वेद खोल के देखोगे तो वेद में ये वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आपके वर्ड्स याद होने चाहिए। हाउ एवर नन ऑफ दिस ग्रुप्स वर कंसिडर्ड एज अ लो एज ऑफ लो स्टेटस। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको लो स्टेटस समझते हैं, बहुत छोटे लोग समझते हैं ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा वहाँ पे कि हम इनको लो स्टेटस या बिना स्टेटस को समझते थे, ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर इक्वली रेस्पेक्ट दी जाती थी। वीविंग सीम्स टू हैव बीन अ डोमेस्टिक क्राफ्ट। वीविंग को ऐसा को घरेलू का माना जाता था, घरेलू का मतलब ये तो घर पे किया जाना चाहिए, तो कैसा काम है, ये तो घर पर ही किया जाना चाहिए। ऑप्टेंड फ्रॉम है ना, हैव बीन डोमेस्टिक क्राफ्ट वूल ऑप्टेंड फ्रॉम शीप वाज द मोस्ट कॉमन रॉ मटेरियल। वो कह रहा है वीविंग के लिए सबसे सस्ता या फिर सबसे कॉमन जो था, बिल्कुल सबसे कॉमन जो रॉ मटेरियल था वो क्या, वो कांसे से लेते थे, शीप से लेते थे। कॉटन इज नॉट मेंशन, कॉटन का कोई मेंशन नहीं है, कॉटन का वेद में कोई भी मेंशन नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है। ट्रेड अभी जो ऊपर बेसिकली जो बताया बता तो अभी बिजनेस के बारे में, ऊपर ही बिजनेस के बारे में बताता, लेकिन ऊपर जो बिजनेस का जो तरीका था वो तरीका कोई बिजनेस का वो कोई तरीका एग्रीकल्चर करके पैसा कमाने का था। अभी कह रहे हैं डायरेक्ट आप बिजनेस करो, डायरेक्ट क्या करो, आप बिजनेस करो, ट्रेडिंग करो। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक थिंकिंग एग्रीकल्चर सरप्लस लेड टू ट्रेड। हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर जो पैसा बचता था, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, तो वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर से जो सरप्लस होता था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बाद जो पैसा बचता था लेड टू ट्रेड, उसकी वजह से ट्रेड डेवलप हुआ, उसकी वजह से ट्रेड डेवलप पड़ा, उसकी वजह से ट्रेड आगे आया। गिविंग राइज टू मार्केट, मार्केट डेवलप हुए, फ्रॉम विच डेवलप्ड टाउन्स एंड सिटीज, मार्केट से धीरे धीरे टाउन्स बने, टाउन से धीरे धीरे सिटीज बनी, दस ट्रेड बिकेम द पाइवेट अराउंड द अराउंड विच द होल टाउन एंड सिटी और लाइफ मूव। और ट्रेड क्या हो गया, एक प्राइवेट बन गया। प्राइवेट मतलब पता है भाई, मेरे ख्याल सर इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट मतलब इससे इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट बेस से, एक इम्पोर्टेंट बेस बन गया। क्या बन गया, एक इम्पोर्टेंट बेस बेस बन गया, जिसके ऊपर क्या हुआ, आपका ट्रेड डेवलप हुआ, पूरे का पूरा टाउन डेवलप हुआ और पूरी की पूरी सिटी लाइफ बन डेवलप गई, है ना। ऑल दो द एजेंट्स हैड इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स, बार्टर सिस्टम वाज स्टिल डोमिनेंट इन ट्रेड विद अदर कंट्रीज। वो कह रहे हैं फिर भी बेशक, वो कह ऑल दो द एजेंट्स हैड इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स, वो कह रहा है बेशक आयरन जो थे उन्होंने उस टाइम पर कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे, बेशक जो आयरन थे उन्होंने उस टाइम पर कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे, बट फिर भी कॉमा का मतलब क्या यहाँ पे, फिर भी कॉमा का मतलब यहाँ पे क्या, स्टिल या फिर येट, फिर भी लोग कॉइन्स के थ्रू एक्सचेंज नहीं कर देते, लोग वही कर रहे थे बार्टर सिस्टम, मतलब क्या, गाय दो बकरी लो है ना, गाजर दो मूली लो, आलू दो टमाटर लो, ऐसा वो पैसे देकर एक्सचेंज नहीं करते थे, है ना, विद अदर कंट्री। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि वहाँ पर कॉइन्स आ चुके थे पर कॉइन्स का यूज़ नहीं होता था, लोग तो बार्टर सिस्टम यूज करते थे। ऑक्यूपेशन कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, बिसाइड्स एग्रीकल्चर एंड ट्रेड अदर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इंक्लूड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्राफ्ट वेरियस मेटल्स, कारपेंट्री, पॉटरी, एक्सेट्रा। यहाँ लिखा हुआ है एग्रीकल्चर के अलावा या ट्रेड को अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारे अदर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन हैं, जैसे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, ये भी एक तरह का काम था उस टाइम पर। क्राफ्ट एंड वेरियस मेटल्स, मेटल्स में क्राफ्टिंग करें तो आज के टाइम पर भी होता है। कारपेंट्री, कारपेंट्री करना, पॉटरी करना, फिशरी करना, ये हर तरह के वहाँ उस टाइम पर भी ये ऑक्यूपेशन थे, लोग इस तरह की एक्टिविटीज करते थे पैसा कमाने के लिए। वीमेन वर एंगेज इन स्पिनिंग, जो लड़कियां जो काम करती थी, काम वो उस टाइम पे भी करती थी, लेकिन वो क्या काम करती थी,
जो उनसे रिलेटेड हो या उनसे कनेक्टेड थे, स्किलिंग हो गया, वीविंग हो गया, नेटिंग हो गया, डाइंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे डाइंग मतलब क्या है, हाँ जी सर, रंग, मेरे को मालूम है सर, मतलब वो कपड़े में जो कलर चढ़ता रंगना, है। हाँ कलरिंग करना बेसिकली, ठीक है। अ कंपेरिजन अर्ली विद केस एंड लेटर विद केस, इजी है सबसे, और ये इम्पोर्टेंट भी है। इजी क्यों है, जो अभी तक हमने पढ़ा ना उसी का यहाँ पे क्रक्स दिया हुआ है। और इनफैक्ट मैं बताऊँ, ये जो आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, इससे बेटर डिफरेंस आप खुद भी लिख सकते हो, अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे और लर्न करोगे तो। मैं पढ़ा दे रहा लेकिन हूँ, सर इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट पॉइंट ऐसे ऐसे दिए हैं दिए जो हैं जो चैप्टर के जो अंदर बिल्कुल नहीं नहीं दिए। है। हाँ, तो बस वही चीज़ आप यहाँ पर देखनी है, बस वही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। फैमिली वॉज अ बेसिक यूनिट, फैमिली वॉज अ बेसिक यूनिट, मतलब वो कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इसका कहने कि छोटी छोटी फैमिली हो चुकी है, कि फैमिली यानी कि फैमिली तो दोनों जगह पर है, पर यहाँ पे कहने का फैमिली सबसे छोटी यूनिट होती थी, और इसलिए और थोड़ा थोड़ा टाइम होता गया था फैमिली थोड़ी बड़ी होती गई, जॉइंट फैमिली का सिस्टम आ गया। पहले सिंगल मदर फादर रहते थे, मदर फादर के उनके कजिन वगैरह भी रहने लगे, जॉइंट फैमिली बच्चों के बच्चे भी रहने लगे, तो जॉइंट फैमिली का सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पर प्रिवेल हो गया। इस प्रिवेल का भी मतलब क्या था, यूज में आना, यूज में आना, फैशन में आना। वी मेन एंजॉयड इक्वल राइट्स, तो लड़कियों को इक्वल राइट्स थे उस टाइम पर स्टार्टिंग में, और यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्लाइन होता गया, धीरे 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 हो गया, बहुत सारा डिक्लाइन हो गया यहाँ पे वुमेन के राइट्स में, वुमेन के स्टेटस में क्या हो गया, धीरे धीरे करके बहुत सारा डिक्लाइन आ गया। रिजिड कास्ट सिस्टम डिड नॉट प्रिवेल, यहाँ पर तो सबको अच्छा ही अच्छा था, कास्ट सिस्टम भी ज़्यादा रिजिड नहीं था, यहाँ पर कास्ट सिस्टम क्या था, रिजिड हो गया था। यहाँ पर पढ़ाने के लिए गुरुकुल होता था केवल, यहाँ पर गुरुकुल तो थे ही थे, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई। क्या आई हैं, ये चैप्टर में भी जिक्र नहीं है, ये यहाँ पर भी जिक्र नहीं है, बस बोल दिया कि कुछ और चीज़ आ गई। यहाँ पर जो खाने पीने के लिए लोग यूज़ कर रहे थे वो क्या था, तो जनरल खाना तो था ही, लिखा इंक्लूडिंग, इंक्लूडेड मतलब क्या, मिल्क लोग खाते थे, बार्ले खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, वेजिटेबल्स के नाम नहीं पता, मीट भी खाते थे, मीट भी खाते थे। कंजम्पशन ऑफ मीट वॉज रिड्यूस्ड, यहाँ पर लोगों ने मीट खाना कम कर काम दिया, इसका करना रीजन आप मुझे बता सकते हो? केवल दो चीज़ पूछा सर। हूँ मैं, 2 मिनट रुको जरा, मैं आपको क्लियर कर दूँ मेरा पूछने पे। ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर ये मीट खा रहे थे और यहाँ पर इन्होंने मीट खाना बंद कर दिया? डोंट से राइस इज द रीजन। नहीं, सर। हाँ सर सर, ये ये मेरे मेरे हिसाब हिसाब से, से क्योंकि क्योंकि सर सर कास्ट कास्ट सिस्टम सिस्टम जो जो था था वो वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा रिजिक रिजिक बन बन गया गया था। था इस इस टक्कर टक्कर में में सर सर जो जो पीपल पीपल थे थे वो वो रिलीजन रिलीजन की की तरफ तरफ मतलब मतलब ज़्यादा ज़्यादा तरीके तरीके से से डाइवर्ट डाइवर्ट हो हो गए गए थे। थे। तो सर सर रिलीजन रिलीजन जो जो है है वो वो अलाउ अलाउ नहीं नहीं करता करता कभी कभी भी भी मीट मीट खाने खाने के के लिए। लिए। कौन सा रिलीजन अलाउ नहीं करता है? नहीं सर, नहीं सर, हम हर हर रीजन के रीजन अंदर ये चीज़ लिखी होती है कि होती है, मतलब मतलब हमको हमको एनिमल्स को एनिमल्स को मार मार के उसका का खाना नहीं खाना चाहिए, चाहिए उनकी उनकी स्किन स्किन को। को। हर में लिखा होता है, तो मुसलमान क्यों खाते हैं फिर? आप मैं बता रहा हूँ, ऐसा किसी भी होली बुक में, किसी भी होली बुक में, चाहे वो हिंदुओं की हो, चाहे वो मुसलमानों की हो, चाहे वो क्रिश्चियंस की हो, चाहे वो पंजाबियों की, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आपको नॉन वेज रहना है या वेज रहना है। लोग एडवाइस देते हैं पर ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा, ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा कि आपको जानवर को मारकर नहीं खाना चाहिए या फिर खाना चाहिए, कहीं पर भी नहीं लिखा, मुसलमानों की बुक में भी नहीं लिखा। ये लोगों का स्टार्टिंग से ट्रेंड बन गया, अब उसको लोगों ने अपना झूठा धर्म बता दिया कि हाँ हमारे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस को भी छोड़ो, आप चाइनीज ले लो, कोरियंस ले लो, हर तरह के एनिमल्स होते हैं, उन सब उनको खाते हैं। अब आपको अकॉर्डिंग क्या है, तो वो गलत हो गए ना, वो लोग तो बहुत गलत करते हैं। लेकिन ये बताओ, बहुत से रीजन में रहते हैं, वहाँ पर जो हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, क्या आप उस टेम्परेचर में कोई भी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं? नहीं तो वो क्या खाएं, भूखे रहेंगे क्या वो? इसलिए फिश खाते हैं क्योंकि उनके यहाँ पे वाटर बॉडीज इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर फिशेज इतनी ज़्यादा होते हैं, तो अपना पेट भरने के लिए जिंदा रहने के लिए फिशेज खाते हैं। तो किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, किसी ग्रंथ बुक में नहीं लिखा हुआ कि हमें मांस खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हाँ लोग एडवाइस देते हैं, वो लोगों के पर्सनल एडवाइस होती हैं। अगर आप बोलो, सोचो कि किसी होली बुक में लिखा हुआ है, तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लोगों की स्टार्टिंग से नीड बन गई, अब कोरियंस की नीड बन गई, अब कोरियंस को सर्वाइव करना है तो उनको तो फिश वगैरह खाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पर वही अवेलेबल है, उनके यहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल है खाने पीने में, एक राइस है और बाकी नॉन वेज ही है।
उनके यहाँ पे राइस के अलावा भी है नहीं, वेजिटेबल्स भी बहुत बहुत कम है। तो ये कुछ ट्रेडिशन बन गया। पहले इराक वगैरह में रहते थे, जो हमारे यहाँ पे जो मुसलमान आए हैं बेसिकली जो मीट खाने का ट्रेंड आया मुसलमानों से आया। मुसलमान कहाँ से आए हमारे इंडिया में? टर्की से। सबसे पहले टर्की से तो आए थे, इंग्रेड जो सबसे पहले इंडिया में क्या था, टर्की कहाँ पे है? इराक के पास, टर्की के पास। वो कैसा, वो कैसी जगह है? वो हॉट क्लाइमेट वाली जगह है, वहाँ पर भी क्रॉप होती नहीं थी, रेगिस्तान ही रेगिस्तान था उस टाइम पर। तो लोगों ने उस टाइम पे जानवरों को मारकर खाना स्टार्ट कर दिया, बोलो ट्रेंड बन गया। अब वो लोग ट्रेंड करते करते उन लोगों का ट्रेंड बन गया, उन लोगों की हैबिट बन गई। अब वो लोग इंडिया में है तो उन लोगों इंडिया के लोगों की हालत ये हैबिट लगवा दी। तो ये हैबिट बन गई है, ये कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे ये रीजन नहीं है। मैं ये पूछा था ना कि यहाँ पे ये मीट खाते थे और यहाँ पे मीट नहीं खाते थे? मीट मतलब यहाँ पे मीट खाते थे ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे इंडिया का खत्म हो गया, कम हो गया। तो इस कम होने का रीजन क्या है? रिलीजन तो है ही नहीं, क्योंकि जिस टाइम पे ये बात किया, जिस टाइम पर कोई रिलीजन था ही नहीं, उस टाइम पर कोई रिलीजन अभी तक था ही नहीं, जिक्र ही नहीं था रिलीजन का। तो अली वेदिक इसकी बात की है तो कोई रिलीजन था ही नहीं, एक ही रिलीजन था सनातन धर्म। केवल क्या था? सनातन। तो रिलीजन की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे कास्ट का मतलब हिंदू मुस्लिम से नहीं, यहाँ पे कास्ट का मतलब है कि जो सफाई करने एससी बोल दिया गया, एससी बोल दिया गया, लोअर कास्ट बोल दिया गया, जो बड़े लेवल के काम करते थे उनको अपर बोल दिया गया। तो यहाँ पे कास्ट का ना वो हिंदू मुस्लिम वाली कास्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो ये थोड़ा अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो तो इसको क्लियर कर लेना। अच्छा तो आप बताओ रीजन, जरा ट्राई करो क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर, क्या मतलब वो एनिमल्स जो थे उनको ऑक्यूपेशन या दूर आने लग गए थे इस वजह से? ना ऐसा थोड़ी है, ये भी कोई रीजन नहीं है। अरे नहीं मालूम। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? पढ़ो जरा ये जो हाईलाइट किया है, बस वही पढ़ो ब्लू वाला। उनके क्योरिंग लेटर डन वैदिक है। पीरियड, उनका के लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर लोगों ने ज्यादा इंक्रीज कर दिया, एग्रीकल्चर पर उनका ध्यान ज्यादा आ गया। अब एग्रीकल्चर करके उन्हें खाना मिलने लगा, उनको एग्रीकल्चर करके ही खाना मिलेगा, उनका फार्मिंग करके ही खाना मिलेगा। जब उनको खाना मिलेगा तो वो एनिमल्स को क्यों मारेंगे? तो इस वजह से ये रीजन था कि उन्होंने मीट खाना बंद कर दिया और एग्रीकल्चरल फूड को खाना स्टार्ट कर दिया। वर्शिप ऑफ नेचर, नेचुरल फेनोमेना प्रिवेल, नेचर की पूजा करते थे, ठीक है? यहाँ पर भी नेचर की पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। यहाँ पर थोड़ा जो रिलीजन थे ना, थोड़े पंडित वगैरह जो होते वो थोड़े फैशन में आने लगे, मतलब वो ज़्यादा उनको ज़्यादा अपर क्लास बना दिया गया। कास्ट सिस्टम काफ़ी रिजिड हो गया था ना, तो पंडितों को रिजिड बना देगा। अब पंडित जो कहेंगे पूजा उसी तरह से होगी, पहले लोग अपने मन से करते थे, अब ब्राह्मण को इतना सुपर बना देगा कि अब जो वो कहेंगे उसी तरह से होगी। तो पूजा करने का सिस्टम जो था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन इस पॉइंट से मिला हुआ है कि कास्ट सिस्टम काफी रिजेक्ट हो गया। कास्ट सिस्टम के अंदर ब्राह्मण भी आते हैं, तो ब्राह्मण इतने ब्राह्मण से इसको इतना सुप्रीम बना दिया गया, उस वजह से वाला पॉइंट है। तो सारे पॉइंट रिलेटेड है। कौन कौन से भगवानों की पूजा बेसिकली किया जाते हैं यहाँ पे? इंद्र देव, अग्निदेव, वरुण, सूर्य एक्सेट्रा, है ना? यहाँ पर क्या थे, ब्रह्मा जी, राम जी, कृष्ण, इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड शिवा, केन टू बी वर्शिप, यहाँ पर ये चीज़ें की जाती थी। एब्सेंस ऑफ 10% आइडल्स, यहाँ पर मंदिर नहीं होते थे, यहाँ पर मंदिर नहीं होते थे, नहीं मूर्तियाँ होती थी। क्यों नहीं होती थी मंदिर और मूर्तियाँ? अरे वो इंद्रदेव की पूजा करें, इंद्रदेव मतलब क्या, बादलों के देवता, तो बादलों को देखकर पूजा कर लेते थे। अग्नि, आग को जला कर उनकी पूजा कर ली। वरुण देव, हवा, ठीक है, मित्र मेरे को ध्यान नहीं, पानी का था, वायु का था, क्या था, सूर्यदेव, सूर्यदेव को देखकर पूजा कर ली। इनको मंदिर बनाने की आइडल्स या फिर मूर्ति बनाने की जरूरत थी ही नहीं, जरूरत थी नहीं ना, क्योंकि तो नेचर की पूजा कर रही है, तो नेचर तो हमारे चारों तरफ है, तो इनको एक स्पेसिफिक जगह पे जाके थोड़ी पूजा कर पाएंगे, नेचर तो हर जगह पे है ना।
तो कहीं कहीं पूजा इनकी हो जाती थी। हिम्स और चैंटन था ओपन, भजन जो गाते थे ओपन फील्ड में गाते थे। वर्शिप ऑफ फोर फादर्स एंड बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ प्रीवियस। हाँ, जो हमारे बड़े लोग होते थे, पूर्वज होते थे, एंसेस्टर्स होते थे, उनकी भी हम पूजा करते थे और हम मानते थे रीबर्थ। रीबर्थ में लोग बिलीफ रखते थे, रीबर्थ में नहीं, सॉरी, बिलीफ आफ्टर लाइफ, यानी जन्म के बाद भी एक आत्मा होती है जो इस लोक से दूसरे लोक में आती है, अगर आपने कहानियां सुनी हो तो। इन चीज़ों में ये लोग भरोसा रखते थे, इस बात में ये लोग भरोसा रखते थे, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड के लोग। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर ब्राह्मण्स इंट्रोड्यूस मैनी रिचुअल्स। ब्राह्मण्स भाई सुप्रीम इतने ज़्यादा हो गए, उन्होंने अपनी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी, अपनी पॉलिसी बनाना स्टार्ट कर दी। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है ना, ऐसे ब्राह्मणों ने अपनी पॉलिसी बनाना स्टार्ट कर दी। दे इंट्रोड्यूस मैनी रिचुअल्स, उन्होंने काफ़ी सारे क्या बना दिए, रिचुअल्स बना दिए, मेड देयर पोजिशन सिक्योर, और अपनी 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 पोजिशन को सिक्योर कर डाला। क्यों? उन्होंने कहा ये रिचुअल आपको करने थे तो मैं ही करूँगा, अगर मैं नहीं हुआ तो आप ये रिचुअल कर ही नहीं पाओगे। तो उन्होंने अपनी पोजिशन सिक्योर कर ली। फेथ एंड सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन अंधविश्वास में भरोसा बढ़ गया, इसलिए मतलब दिमाग ना लगाकर अंधविश्वास में। न्यू प्रिंसिपल्स लाइक पेनेंट्स, नए कुछ सिद्धांत आए, पेनेंट्स यानी संन्यास, डॉक्टर सब करना, धर्म एंड मोक्ष, ये कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप हुए इस पीरियड में। ये सारी जो बातें वो बात हुई सोसाइटी की, बात हुई सोसाइटी कल्चर के बारे में। अब ये जो बात हो रही है टोटली डिफरेंट टॉपिक आ गया, इकॉनमी की बात हो रही है, इकॉनमी के बेस पर दोनों में डिफरेंस है। इकॉनमी के बेस पर क्या डिफरेंस है? ओके, लिखा हुआ है इन द बिगनिंग द मेन ऑक्यूपेशन वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। यहाँ पर ये क्या करते, एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे। क्यों करते थे? पहले तो डोमेस्टिकेट करो, जब तक वो जैसे काव वगैरह हुए उससे थोड़ा काम करवा लो, दूध वगैरह निकलवा लो, ठीक है। जब इनको काव वगैरह दूध वगैरह देना बंद कर दो, इनको खुद खा कर खा जाओ, इनको खुद मार कर खा जाओ। सबसे प्राइमरी काम तो इनका ये था, प्राइमरी काम तो क्या था, यही वाला डोमेस्टिकेशन। और जो एग्रीकल्चर था वो सेकेंडरी था, एग्रीकल्चर क्या था वो सेकेंडरी था, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर क्या था, प्राइमरी था, और डोमेस्टिकेशन वो भी प्राइमरी था, दोनों ही दोनों साथ के साथ चलते थे। यहाँ पर दोनों ही कामों की इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिकेशन को ज़्यादा और एग्रीकल्चर को कम। कैटल वॉज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ, इस टाइम पर कैटल उनके सबसे बड़ी वेल्थ होती थी, जिसके पास जितने ज़्यादा कैटल वो उतना ही ज़्यादा रिच। यहाँ पर लैंड भी प्रीवेल होने लगी, लैंड की प्रीवेल होने लगी। यहाँ पर वो एग्रीकल्चर करते नहीं थे तो उनको लैंड की वैल्यू नहीं पता थी, हर कोई एग्रीकल्चर करते नहीं था, फार्मिंग करते ही नहीं था, तो किसी के पास उनके फील्ड ही नहीं थे, तो वो एनिमल्स की अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। अब लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट करना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, अब लोगों को लैंड की वैल्यू समझ में आई कि हाँ लैंड होगी तो हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे, लैंड होगी तो मतलब अपना खाना उगा पाएंगे, तो लोगों को लैंड की वैल्यू समझ में, तो लोगों ने लैंड को अपना वेल्थ समझने लगे इस टाइम पे, लैंड को समझने लगे इस टाइम पर। कैटल्स को मैंने एंगेज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, काफ़ी लोगों को ट्रेड और कॉमर्स में लगे हुए थे, यानी इस टाइम पर भी बिजनेस हो रहा था। लोग क्या क्या काम कर रहे थे, डाइंग का, कलरिंग का काम करते, एम्ब्रॉयडरी का काम करते, कारपेंटरी का काम करते, वीविंग का काम करते, पॉटरी का काम करते, क्राफ्टिंग का, गोल्ड में क्राफ्टिंग का, हर तरह के मेडल्स में गोल्डन आयरन केवल, हर तरह के नहीं, केवल दो ही बात दो जिक्र किया जाए, गोल्डन आयरन, गोल्डन आयरन के जो आइटम्स होते थे उनमें क्या करते, क्राफ्टिंग करते थे मेनली, ये ऑक्यूपेशन उस टाइम पर परफॉर्म किया जाते थे। यहाँ पर ट्रेडर गिल्ड से हेड कम अप, ट्रेडर्स गिल्ड मतलब क्या, ट्रेडर्स का मतलब झुंड से आगे एकदम से, मतलब बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिंग ट्रेड होने लगी, बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड हेड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। बिसाइड्स ऑक्यूपेशन अलियर पीरियड, यानी बिसाइड्स, यानी कि बिसाइड्स मतलब क्या, ये काम तो होते ही थे, ये काम तो होते ही थे, इन एडिशन इनके क्या होने लगा, फिजिशियंस, नए नए ऑक्यूपेशन आए, फिजिशियंस, म्यूजिशियंस और मैनी अदर प्रोफेशन इमर्ज हुए, और काफ़ी सारे प्रोफेशन डेवलप हुए। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेसिकली जो हम लिखना चाह रहे थे वो इन्होंने भी लिखा हुआ है, बट इन्होंने जो हेडिंग ने बहुत बहुत नेहरू कर दी, उन्होंने बस दो ही हेडिंग नहीं, उसके अंदर उन्होंने इतने सारे पॉइंट्स लिख डाले, उसके अंदर ही उन्होंने इतने सारे पॉइंट्स लिख डाले, 1 2 3 4 5 इसको भी 6 बोल दो और 7, एक ही जगह 7 पॉइंट लिख डाले, 8 9 10 10 पॉइंट्स उन्होंने दो हेडिंग्स लिख डाले उन्होंने। आप चाहो तो दो पॉइंट याद कर लो, और आप चाहो तो, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन देखे डिफरेंस ऑन द बेसिस नहीं पूछा गया, यानी आपको बेसिस
ऑलरेडी बोले नहीं है, तो आप खुद के अपने बेसिस बना सकते हो, आप खुद के अपने हाँ बेसिस बना सकते हो। यहाँ पे फूड लिख सकते हो, लाइटिंग इस वाले में, ठीक है, इस वाले में एजुकेशन लिख सकते हो, इस वाले में कास्ट लिख सकते हो, इस वाले में वुमेन स्टेटस लिख सकते हो, ठीक है, इस वाले में आप वर्शिप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इस वाले में गॉड लिख सकते हो। तो आप खुद से भी हेडिंग बना सकते हो, ठीक है, और हेडिंग बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं बता रहा हूँ। आप कंटेंट अंदर का याद देखना चाहोगे तो वो याद मत करना, वो तो पूरे चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक दो बार रिविजन करोगे, दो तीन रिविजन करोगे तो याद हो जाएगा। हेडिंग याद करना, हेडिंग से आपको दोनों पॉइंट समझ में आएंगे। ऐसे यहाँ पे पॉइंट बना देना, यहाँ पे वेल्थ पॉइंट बना लेना, यहाँ पे ऑक्यूपेशन, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ऐसी हेडिंग बना लेना, और यहाँ पर एग्जाम्पल्स बना लेना, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशन, बस हो गए आपके। अब युताश मैं आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं पुराने वाले, सर पुराने पुराने वाले वाले चैप्टर के अंदर ही अंदर ही पूछने पूछने थे, थे, इसके इसके अंदर अंदर तो तो अभी अभी तक तक सब सब ठीक ठीक ही ही आए आए हैं, हैं, जो जो आपने आपने पहले पहले दिए दिए थे थे वो वो तो तो सब सब मेरे मेरे को को आ आ गए गए हैं। हैं। अच्छा तो फिर मैं कुछ इस टाइप का होमवर्क देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आता हूँ, ठीक है। एक इसमें 13 वाला लिखो, आगे तो ठीक करना, आगे तो ठीक नहीं है तो बता देना। स्टेट टू इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम, हाँ इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो। इसकी लैंग्वेज अच्छी है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है। 13-17 हो गया, और क्योंकि रिमेनिंग सारे आपको करने हैं। स्टेट द मेथड्स यूज बाय आर्यसन एग्रीकल्चर, अच्छा बताना क्या है। कैटल्स का यूज करते थे, मेटल्स का यूज करते थे, क्या करते थे। हाउ वाज ट्रेड मैनेज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, किस पीरियड की बात कर रहा है। वैदिक पीरियड लिखा हुआ है, लेटर या अर्ली तो लिखा ही नहीं है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। सेकंड वाले क्वेश्चन से हेल्प लेनी पड़ेगी, वो कह रहे डोमेस्टिकेशन क्या था, इंपॉर्टेंट था, तो डोमेस्टिकेशन इंपॉर्टेंट किस में था, अर्ली वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में। लेटर में तो एग्रीकल्चर हो गया था, तो यानी कि जो तीनों जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन अर्ली वैदिक पीरियड के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेथड लिखने हैं एग्रीकल्चर के, तो वो भी लिखने हैं जो अर्ली वैदिक पीरियड में यूज किया जाता था। तो अर्ली वैदिक पीरियड में कैसे ट्रेड मैनेज करते थे, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में लिखना है, ना कि लेटर के बारे में। और फिर तीनों हो चुके हैं, ठीक है। सर मैं कह रहा हूँ इस बार बार सिलेबस सिलेबस तो तो बहुत बहुत ज़्यादा ज्यादा है है एग्ज़ाम एग्जाम के के हिसाब हिसाब से। से। सर एग्जाम कब है, मेरे मेरे हिसाब हिसाब से से नवंबर में नवंबर में, होंगे। नवंबर में एग्जाम नहीं, 2 बार एग्जाम होने ना आपके, तो हाँ, हाँ जी सर। तो आपको डराने के लिए बोला दिसंबर से पहले नहीं होने वाले आपके एग्जाम। नहीं नहीं सर सर कैसे कैसे, नहीं दिसंबर से पहले हो नहीं सकते, जो आपके अगर 2 बार एग्जाम सर, होंगे दिसंबर में होंगे, और लेकिन दूसरे आपके सर मार्च में कर देंगे, वो तो वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन लेकिन सर उससे सर उससे पहले पहले यूनिट यूनिट टेस्ट भी टेस्ट तो भी होते होते हैं, तो हैं, तो उनका उनका उस उनके उनके हिसाब से हिसाब उसको से टाइम यूनिट टेस्ट कैसे, नहीं। 3 महीने में यूनिट टेस्ट कैसे करवा लें नहीं। उनका। तो अब ये तो मैं क्या होता है, तो आपको पता है वो करा ही लेंगे कैसे ना कैसे, वो तो तो ठीक है, ठीक है। लेकिन सर लेकिन इसमें सर भी वो हो हो नहीं नहीं पाए पाए थे, रहे, क्योंकि क्योंकि अभी अभी भी भी सर सर जो जो हमें सिलेबस करा है है, स्ट्रेंथ, मतलब मतलब सर सर 60 बच्चों साठ में बच्चों से में से मान मान के के चलिए चलिए 15-20 15-20 बच्चे बच्चे आ रहे आ हैं रहे हैं बस। क्लास में, और जो नहीं आ रहे उनका क्या, सर उनको सर मेरे उनको मेरे लिए लिए ऑनलाइन ऑनलाइन बंद कर बंद कर दी, दी। तभी अच्छा तो तभी तो सर सर अब अब वो वो नया नया क्या क्या कराएं, कराएं, पिछले पिछले हफ्ते हफ्ते तो तो उन्होंने उन्होंने करवाया करवाया नहीं, नहीं, अभी अभी सबसे सबसे से से उन्होंने उन्होंने शुरू शुरू करवाया करवाया है है प्लस प्लस करवाने, करवाने, अब क्या क्या करें, करें, जो जो नहीं नहीं जा जा रहे रहे हैं हैं उनका उनका भी भी हो नहीं होनी रहा, ना, मेरे मेरे को को लग लग रहा रहा है है कि ऑनलाइन ऑनलाइन ही क्लासेस उनको अब क्लासेस क्या क्या करेंगे करेंगे आगे आगे पता पता नहीं। नहीं। गलत है ये, स्टार्ट कर देना सर उनको ऑनलाइन भी, एक क्लास में कैमरा लगवा लेना चाहिए, जो बच्चे लाइव है उनको लाइव पढ़ाए, जो नहीं है वो चलो कोई ना, ठीक है। अभी तक बच्चे, हर बच्चे की ट्यूशन भी होंगे, ट्यूशन पढ़ ही लेगा। आप बताओ क्वेश्चन कौन से थे, और मुझे सिलेबस सेंड कर देना अगर आपके पास सिलेबस आ गया हो तो। सर मैंने सर मैंने आपको आपको करा तो करा हुआ तो है हुआ सेंड सेंड पहले, पहले, चलिए इस मैं बार आपको ना फिर हो से फिर कर से कर दूंगा। दूंगा, नहीं नहीं सर सर मैंने मैंने इकट्ठा इकट्ठा ही ही करा करा था, था, उसके उसके अंदर अंदर टेस्ट टेस्ट का का भी भी था था और और एग्जाम्स एग्जाम्स का का भी भी था। था। ठीक हाँ तो मुझे आप एग्जाम्स का देना सीधा, ठीक है इसमें कौन सा क्वेश्चन वो था। ठीक है, सर बता रहा हूँ। सर एक तो ये एक तो ये फर्स्ट फर्स्ट का का बी, बी, फर्स्ट का बी, सर सेकंड सेकंड एक्सरसाइज एक्सरसाइज वाले, वाले, अच्छा
नहीं तो सर, ये ये आप आप कौन कौन से से पे आ पे आ गए? ये गए? तो ये तो हरप्पन है, मैं हरप्पन तो है, मैं उस तो पे उस कह पे रहा कह हूँ रहा है। वो कंडम है। अच्छा, सर ये तो ये तो हमारा हमारे इधर इधर से से पहले पहले का का हुआ 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 था। है। वही मैं कहूँ, ये बात पीछे आ गया। सेकंड में फर्स्ट का बी। हाउ डू द डायरेक्टर प्रिंसिपल्स कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन का मतलब क्या है? सर सर मेरे मेरे हिसाब हिसाब से कि से कि डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल मतलब मतलब फंडामेंटल फंडामेंटल राइट राइट से से ज्यादा ज्यादा पावरफुल पावरफुल कैसे कैसे होते होते हैं हैं एक एक तरीके तरीके से। से। ना बस ये दिक्कत है, क्वेश्चन ही समझ पाए ना, इसलिए आंसर नहीं आ पाया। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? हम बोलते हैं ये दो चीज़ें एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट है। या हम बोलते हैं कि आप कुछ चीज़ लेने गए, बोला ये चीज़ ले लो, ये तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? सर मतलब मैचिंग एक तरीके से। मैचिंग, ठीक है, कह सकते हो। उसका एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में तो बोलते हैं पूरक। पूरक मतलब जिसके बगैर कोई चीज़ इनकम्प्लीट हो। अगर आप कॉम्प्लीमेंट नहीं लेके आए तो आपको इनकम्प्लीट 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 सा फील होगा। आप एक्टिवा ले आए लेकिन आपने एक्टिवा में एसेसरीज नहीं लगवाई तो आपको आपकी एक्टिवा इनकम्प्लीट सी लगेगी, ठीक है? तो वो कह रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। पावरफुल की बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है सपोर्ट की। आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स को सपोर्ट करते हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का बेसिकली काम क्या था? कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट के लिए होती हैं, और गवर्नमेंट बेसिकली गाइडलाइंस क्यों बनाती हैं? ताकि जो ताकि जो हमारे हमारे मतलब सिटीजन है हमको प्रिविलेजेस मिल सके। सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए। क्या सिटीजन्स का वेलफेयर लेना अपने आप में ही उनका फंडामेंटल राइट है या नहीं है? तो बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, यानी एक तरह से गवर्नमेंट ने बोला, एक तरफ से समझ रहा हूँ इस बात को, मैं समझा रहा हूँ, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ मैं। एक तरफ से गवर्नमेंट ने बोला आपसे, क्या बोला आपसे? कि आपको पढ़ने का राइट है, लेकिन अगर दुनिया में टीचर ही नहीं होंगे तो कैसे पढ़ लोगे? तो आपका तो ये राइट इनकम्प्लीट हो गया ना, आप तो उस राइट का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। फिर गवर्नमेंट दूसरी तरफ से बोल दिया कि तुम, अब मुझसे बोल दिया कि मेरा राइट है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। तो मेरी तरफ से ड्यूटी डाली तभी तो जाके आप अपने राइट का बेनिफिट ले पाओगे। तो आपने फंडामेंटल राइट्स में देख पढ़ा होगा कि हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसमें हम गवर्नमेंट से हेल्प मांगते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट मांगते हैं। लेकिन गवर्नमेंट आपको क्यों सपोर्ट करे? गवर्नमेंट की ड्यूटी थोड़ी है, आपका राइट है ना, गवर्नमेंट की ड्यूटी थोड़ी है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आए गवर्नमेंट पर ड्यूटी डालने के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्यों आए? गवर्नमेंट पर ड्यूटी डालने के लिए कि हाँ अब जाओ, अब तुम उनके फंडामेंटल राइट्स को तुम पूरा करवाओ। हाँ, लेकिन ऐसे फंडामेंटल राइट्स को मत पूरा करवा देना जिससे दूसरे का नुकसान हो। आपको जनरल पब्लिक का फायदा कराना है, किसी इंडिविजुअल का नहीं, जनरल पब्लिक का। तो एक और ट्राई करना, एक और स्टेप को दोबारा बढ़ना। अब इसको ड्राफ्ट करने की कोशिश करना कि अब आपको आता नहीं आता, आपको क्वेश्चन समझा दिया है। और बताओ। और सर और सर इसके इसके अंदर अंदर सेकंड सेकंड का का भी। भी, सेकंड का भी, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक टू एस्टेब्लिश इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट? क्वेश्चन का मतलब तो बाद में समझाना, पहले तो मुझे ये वर्ड बताओ कुछ वर्ड्स। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका मीनिंग क्या होता है? सीक का मतलब क्या होता है? इस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है? और जहाँ तक मुझे ध्यान है एक वेलफेयर स्टेट, इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ बना हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इन चारों वर्ड्स की मीनिंग बताओ। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो मतलब वो है जिसके अंदर सर मतलब हमारे वो लिखे हुए हैं कि क्या क्या सिटीजन्स को राइट दिए गए हैं, नहीं ना, मतलब सर एक तरीके से लॉज लिखे हुए हाँ, हैं जो इसके हमको अंदर फॉलो बहुत करना सारे लॉ लिखे हैं, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशन का एक पार्ट है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं, ठीक है? और सिक्का मतलब सर सर मतलब मतलब कैसे एक कैसे एक तरीके तरीके से। से ट्राई टू गेट, पाना, चाहना, ट्राई टू गेट, किसी चीज को पाने के लिए एफर्ट्स देना। एस्टेब्लिश मतलब मतलब सर देखना देखना चाहती चाहती एक है, बनाना तरीके बनाना, यहाँ पे बनाने से। से। और वेलफेयर स्टेट का मतलब
मतलब सर सिटीजंस के अंदर मतलब मैं वो हैप्पी रहें। हाँ, एक ऐसे स्टेट में बोल रहे हैं प्रॉस्पर स्टेट बनाना, एक प्रॉस्पेरस स्टेट बनाना। तो वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हेल्प करता है इंडिया को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कैसे हेल्प करता है इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट यानी एक प्रॉस्पेरस स्टेट बनाने के लिए। यहाँ पे प्रॉस्पेरस स्टेट का मतलब यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, इससे दिल्ली इससे नहीं, यहाँ पे स्टेट का मतलब इंडिया से ही, कंट्री से ही है, यहाँ पे स्टेट का मतलब तो फिर कंट्री से सर ही है। इसका वो वेलफेयर कंट्री क्यों नहीं रखा? नहीं, क्योंकि उस टाइम पर ना, जिस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हम इंग्लिश सिस्टम से काफी इन्फ्लुएंस थे, और इंग्लिश सिस्टम में ना जो रीजन डिवाइड हुए होते थे वो ऐसे डिवाइड नहीं होते थे स्टेट वाइज, वहां पे होते थे प्रोविंस वाइज। वहां पर दो वर्ड चलते थे, एक तो बहुत पीछे जो, तो एक वर्ड अच्छा चलता था इंग्लिश में, किंगडम्स। किंगडम्स हो गया, प्रोविंस हो गया, स्टेट हो गया। तो वहां पर किंगडम्स वर्ड चलते थे, प्रोविंस वर्ड चलते थे, स्टेट बोलते थे। तो वहां पर यूपी को स्टेट नहीं बोलते थे, वहां पर स्टेट का मतलब होता था जिस जगह पर एक पूरा राजा रूल कर रहा है उस पूरी जगह को स्टेट बोलते थे। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि इंडिया पे एक राजा था तो एक पूरी इंडिया को एक स्टेट वर्ड बोल दिया गया, इंडिया को एक पूरा प्रोविंस बोल दिया गया, इंडिया को एक किंगडम बोल दिया गया। अकबर ने जब पूरे इंडिया पर कंट्रोल किया तो अब पूरे इंडिया को एक किंगडम बोल दिया गया। ये नहीं कि अकबर के अंदर अब जो आगरा वाला जो इलाका है वो यूपी के अंदर आएगा, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन था नहीं। ये यूपी वगैरह तो बाद में क्लासिफिकेशन हुआ है। तो उस टाइम पे जब जो नाम बनाए गए तो उन्होंने इंग्लिश लेटर ही ले लिया। और इंग्लिश लेटर क्यों लिया था, मैंने आपको बताया होगा स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म में यूनिट टेस्ट से पहले। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 7 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को मिलाकर बना है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। तो वहां से कॉपी कॉपी पेस्ट करते करते कुछ वर्ड अमेरिकन वर्ड या इंग्लिश वर्ड या दूसरी कंट्री के वर्ड कॉपी हो गए। दूसरे कंट्रियों में स्टेट मतलब ही कंट्री होता है, तो वहां के वर्ड को कॉपी कर दिया होगा गलती से, ऐसा भी मीनिंग निकल सकता है। तो दोनों रीजन हो सकते हैं, एक तो ये कि उस टाइम पर हम स्टेट को ही कंट्री बोलते थे, और दूसरा क्योंकि हमने बहुत कंट्रियों का मिलाया है तो मिलाते मिलाते हो सकता है उनके वर्ड्स को कॉपी पेस्ट कर दिया हो, ऐसा हो सकता है। तो कोई भी रीजन हो सकता है। तो आप बताओ कैसे ये हेल्प करता है, ये तो हमने बहुत, ये तो चैप्टर में है ही बेसिकली इसके बारे में। तो बताओ कैसे हेल्प करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के वेलफेयर स्टेट बनाने में। मतलब वो सिटीजंस को प्रिविलेजेस देता है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। और और सर सर जब जब मतलब मतलब जैसे सर आप फॉर पुअर पीपल मतलब सर बहुत सारी एक तरीके से स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ ठीक है। और और सर वो सर वो मतलब मतलब एक एक काइंड की काइंड की ड्यूटी ड्यूटी डालता है डालता है गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ऊपर के कि वो ऊपर इस कि चीज़ को वो इस चीज़ को फुलफिल फुलफिल करे। करे। ठीक है। अब ये जो आपका आंसर है ना वो मेरे आंसर को ना कॉम्प्लीमेंट करेगा। मतलब क्या, ये जो आपने आंसर दिए हैं ये रीजन से एग्जाम्पल थे, क्योंकि बुक में जो आपके टीचर लिखवाएंगे मुझे नहीं पता आपके टीचर ने आंसर मार्क कराए नहीं कराए, वो जो आपके मार्क कराएंगे, पैराग्राफ से मार्क, वो इस पैराग्राफ से मार्क कराएंगे, वो इस पैराग्राफ से क्वेश्चन का मार्क कराएंगे। जो आपने बोला बिल्कुल सही है, लेकिन उसको हम एग्जाम्पल्स में लिखेंगे, उसको हम कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल्स में। बेसिकली आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन वो बना ही इस तरीके से, वो बना ही वो बना ही इस तरीके से है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना ही इस तरीके से है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन का खुद से ही, उस कॉन्स्टिट्यूशन का खुद से एम ये है, उसका खुद से ऑब्जेक्टिव ये, उसका खुद से पर्पज ये है कि हम क्या बनाए, एक कंट्री को वेलफेयर करें, एक कंट्री को क्या करें, वेलफेयर करें। यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद वेलफेयर स्टेट के लिए जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं, यानी उसके अंदर खुद से लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हेल्प करता है, वो ऐसे हेल्प करता है, एक तो उसके अंदर खुद लिखा हुआ है कि हम एक कंट्री को क्या करेंगे, वेलफेयर बनाएंगे, वेलफेयर कंट्री का वेलफेयर बनाएंगे। करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दूसरी चीज भी लिखी हुई है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स। क्या लिखी हुई है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमें हमें एक वेलफेयर स्टेट चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, वेलफेयर स्टेट चाहिए। तो कैसे चाहिए, कैसे अचीव करो इस चीज को, ये तो मैंने बोल दिया कि मेरे को चाहिए, पर कैसे, मैंने बोल दिया कि मुझे 100 मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए, कैसे, मुझे सॉल्यूशन भी तो बताना होगा। तो वही सॉल्यूशन क्वेश्चन बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक वेलफेयर स्टेट चाहिए, पर कैसे चाहिए ये तो बताए। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके अंदर डाले क्या,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के डाले उसके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से डाले कि उनका ही खुद में उनका खुद से क्या काम है, उनका खुद से काम ये है कि वो क्या करें, एक कंट्री को वेलफेयर स्टेट बनाए। अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करा लेते हो तो आपकी कंट्री वेलफेयर स्टेट बन जाएगी, आपकी कंट्री एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगी। यानी कि बेसिकली क्या क्या होगा कि आफ्टर अचीविंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आफ्टर फॉलोइंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वी कैन अचीव दिस गोल, वी कैन अचीव दिस गोल। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में बनाना था, क्वेश्चन लिखा हुआ हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक टू एस्टेब्लिश, तो आप लिख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू एस्टेब्लिश, सीक्स टू एस्टेब्लिश इंडिया अ वेलफेयर स्टेट स्टेट बाय फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल फिर आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टिव प्रिंसिपल लेट डाउन, लेट डाउन मतलब प्रेजेंट करना, लेट डाउन मेंशन सो मेनी पॉलिसीज और प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक, लाइक सो मेनी पॉलिसीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक स्कीम्स फॉर पुअर पीपल कर सकते हो, तो आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट जो आंसर आपका जो बनेगा अगर एक दो मार्क्स का, वन मार्क्स का ही पूछा है, तो वो सिंपल सा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक टू एस्टेब्लिश, सीक टू एस्टेब्लिश इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट बाय फॉलोइंग या बाय फॉलोइंग बाय अडॉप्टिंग या बाय फॉलोइंग ही लिखना है, बाय फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच आर इट सेल्फ, विच आर इट सेल्फ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल करके आपने जो जो मेरे को बताया था अपनी तरफ से, वो फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो कि अगर चार पांच मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको नंबर मिल जाए। और बताओ बस, तो ये वाला तो इजीली क्लियर है, ये आपको इसको तो मैं टिक लगा लेता हूँ, ये वाला ट्राई करना, इसका आंसर आपको ड्राफ्ट कर पाओ तो ठीक है, इसमें तो ड्राफ्ट करने में कोई दिक्कत है नहीं, तो मैंने कराई दिया, एग्जांपल आपको खुद से लिखना है अपनी लैंग्वेज। और सर एक बायो के अंदर एक क्वेश्चन और था जिसमें मेरे को डाउट था, वो चलिए मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास बुक नहीं है, मेरे को याद नहीं है। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एक बार, देख लो अगर याद आ जाए तो मैं तो मुझे भेज देना, लॉन्ग में था शॉर्ट में था ये ध्यान है, नहीं हाँ सर वेरी शॉर्ट आंसर्स में था, वेरी शॉर्ट में था, मैं सोचा देखो जरा सर ये सेकंड वाला था, सेकंड वाला था, वेयर इज द लीस्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू लोकेटेड इन द प्लांट, लीस्ट स्पेशलाइज्ड मतलब जिनका काम कोई स्पेशलाइजेशन का नहीं होता, कुछ ऐसा ही ना, ये मीनिंग है या नहीं, मीनिंग क्लियर होना चाहिए बोलता क्वेश्चन का। तो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे कि कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज्ड काम करते हैं, कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज्ड काम नहीं करते हैं, कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जो अपने कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिनको शायद परमानेंट टिश्यूज कहते थे आई थिंक, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, ध्यान है नहीं भूल गए आप? हाँ जी सर ध्यान है, ध्यान। और सर अब सर इसका मतलब तो ये तो सर परमानेंट तो हो गया, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या स्पेसिफिक फंक्शन वाला पूछा है, नॉन स्पेसिफिक लिस्ट मतलब ना के बराबर, लिस्ट मतलब ना के बराबर बहुत कम है, तो परमानेंट का अपोजिट क्या हुआ, नॉन परमानेंट, और नॉन परमानेंट को हम और क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो आपको बस ये बताना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ लोकेटेड होते हैं, इनका बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया, सिंपली यही पूछ सकते थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ लोकेटेड होते हैं, जो हथे के टिप पर और जो ग्रोइंग पार्ट होते थे वहां पर होते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी, इसमें बर्ड मार्क कर लो, ये ट्रिक होती है क्वेश्चन पूछने की, क्वेश्चन बहुत इजी था बस उन्होंने पूछ किया लिया लीस्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू, उन्होंने ये नहीं पूछा मेरिस्टेमेटिक होता है नॉन परमानेंट बताओ, उन्होंने कुछ और ही पूछ लिया। ठीक है और कुछ नहीं सर, सर अब ये जो हमारा सिविक्स था इसका पोर्शन तो पूरा कंप्लीट हो गया है, सिविक्स का ठीक है ना सर, इसमें तीन लेसन आ रहे थे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों हमारे हो गए। ठीक है अब सर हिस्ट्री के अंदर 1-7 चैप्टर आ रहे हैं, इसमें हमारा भी फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड चैप्टर मैंने आपको कल भेज दिया था। अच्छा ठीक है, और बाकी 5 चैप्टर ज्योग्राफी में रह गए हैं, आप मुझे भेज देना, और यही बता देना आपको जो प्रेफरेंस हो पहले मैं वही चैप्टर स्टार्ट करा दूंगा। सर मैंने आपको भेज ही दिया हिस्ट्री का, आपने एक ही भेजा हिस्ट्री का ही भेजा है आपने, है ना? ठीक है, एक आप ये मुझे भेज देना, और एक बार सिलेबस एक बार केवल जो आपका फाइनल सिलेबस है।
वो मुझे सर भेज देना। एक्चुअली एक्चुअली सर चक्कर क्या है, जो हमको स्कूल से सिलेबस मिला है वो सब्जेक्ट वाइज इतने मिला है, फर्स्ट टर्म भी लिखा है उसमें, हाफ ईयरली भी लिखा है, सर लिखा था, तो सर वो क्रॉप होने में बहुत दिक्कत दे रहा है। क्रॉप मत करो ना, पासवर्ड निकाल। अच्छा सर मैं सर, मैं आपको आपको पीडीएफ ही पीडीएफ भेज दूं भेज पूरा, पूरा पीडीएफ ही भेज देना, और क्या। सीधे हाँ पीडीएफ ही भेज देना, सर मैंने भेज दिया, सर मैंने भेज दिया। ठीक है। ठीक है, देख लिया मैंने। तो ओवर करते हैं क्लास के, अब इसके बाद में एक काम करता हूँ, इसके बाद में नोट्स बनाने, पहले क्लास खत्म होगी। मैं देखता हूँ, या तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भेजूंगा कल, ठीक है, या फिर नोट्स मैं देखता हूँ, नोट्स बनेंगे तो नोट्स बनाकर फिर उसकी समरी वीडियो बनाकर भेजता हूँ, तो नोट्स में एक दिन का ठीक है टाइम लग सर, जाएगा, और वीडियो ओके अगर नए ठीक चैप्टर की बनेगी तो वो तो कल ही भेज दूंगा फिर मैं, ठीक है। है सर। ठीक है।